वर्तमान में ऊंटों की स्थिति है वो आपसे मतलब छुपी नहीं है, आप स्वयं इसका नेतृत्व करते हैं देवस्थ समाज का, लेकिन अगर वर्तमान जो वर्तमान में स्थिति है वैसे की वैसे स्थिति आगे बनी रही तो क्या आपका देवस्थ समाज इस आंदोलन का रूप भी ले सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैंने सीएम साहब को कई बार पत्र भी लिखा है, मैं खुद कांग्रेस से बिलोंग करता हूं और मैं मुझे विश्वास सीएम साहब इस पे, लेकिन अगर फिर भी उसके बाद भी नहीं माने तो इन पशुपालकों की आवाज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जयपुर के विधानसभा तक भी पहुंचाऊंगा, इतनी हिम्मत रखते। दूसरी बात, अगर चंद दिनों में इसके बारे में नहीं सोचा गया तो इन ऊंटों को जयपुर कुछ भी करवा दूंगा, क्योंकि अब जरूरी है मुझे और हम सबको, अगर बचाना है और बचना है, इसको बचाना है तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी साहब, क्योंकि ये नहीं बचेगा। जिस तरीके से सरकार का रुआन है, जो 10,000 रूपए पहले मिलते थे केंद्र सरकार से वो भी बंद हो गए, इसका बीमा नहीं हो रहा है आज वर्तमान में, इसका बीमा नहीं हो रहा है, इसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इसके दूध के बिकवाली की कोई व्यवस्था नहीं है, गायों के दूध की डेयरिया है, सब कुछ है, लेकिन ऊंटनी के दूध जो आयुर्वेदिक मानती है, डॉक्टर्स मानते हैं, साइंस मानती है कि डायबिटीज, मैं आपको बताऊं, मुझे डायबिटीज थी, इनके दूध से मैं डायबिटीज ठीक हो चुका हूं, कोई गोली नहीं लेता हूं, तो ये प्रूफ है आपके सामने कि आप इसके दूध की जब इतनी औषधीय गुण है इसमें तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? अभी ऊंटनी का दूध है वो क्या आम जनता खरीद पाती है? देखो एक्चुअली व्यवस्था नहीं खरीदती, लोग बहुत से लोगों के पास मेरे पास फोन आते हैं कि साहब ऊंटनी के दूध की व्यवस्था कराइए, क्योंकि डायबिटीज और कई बीमारियों में इसके दूध बहुत उपयोगी है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि ये जानवर जंगलों में रहता है, वहां से दूध लाना, इसको फ्रीजर करना, फिर दूध आगे सप्लाई करना, ऐसी व्यवस्था एक डेयरी विभाग ही कर सकता है ना। पिछली सरकार ने डेयरी खोलने के लिए जयपुर में बहुत बड़ी योजना बनाई, करोड़ों का बजट की बात की, लेकिन आज भी धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल कागजों में दिखा दे रहा, सब कागजों। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बताऊं कि आज जो मीट व्यवसाय है भारत का, उसमें सबसे ज्यादा इन लोगों का हाथ है, ये भेड़ पालक है, ऊंट पालक है, मंडियों में बाहर विदेशों में, आज अभी चाइना बॉर्डर पे भारत ने 17 से 20 ऊंट विदेश से निर्यात किए, तो ये दुर्भाग्य हमारा कि हमें विदेश से ऊंट अब लाने पड़ रहे हैं, और मैं आपको ये कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में सरकारें नहीं जगी या केंद्र सरकार नहीं जगी तो ये ऊंट आपको नहीं मिलेंगे साहब, पशुपालन कृषि विभाग में अंतर्गत आता है। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से, दोनों सरकार, राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से भी, कि आप ऊंट को, पशुओं को इनका समर्थन मूल्य तय करें, उनको खरीदे और ये कानून बनाए, इससे नीचे कोई नहीं खरीदे। लेकिन केंद्र सरकार तो आपको पता है कि किसानों पर क्या कर रही है, एनएलपी एनएससी खत्म कर रही है, वो तो समर्थन मूल्य ही खत्म कर रही है, तो आने वाले समय में पता नहीं क्या हो सकता। लेकिन हम, मैं आपको बहुत जल्द, अगर सरकारें नहीं जगी तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन इसको मरने नहीं देंगे हम, जब तक हमारी जान है, हमारे शरीर के अंदर खून है, रक्त की एक बूंद है, तब तक हम इसको बचा कर रखेंगे। ये हमारी संस्कृति और हमारे महादेव जी का वरदान है, और हम अपने महादेव जी के वरदान को इस तरह जंगलों में या बिना गवाली के नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सरकारें